ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਣਾ ਦੀ ਮਿਲਕ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ सुरजीत सिंह रखड़ा श्रोमणी अकाली दल के आगू और साबका मंत्री भी रहे ने और जिन्हां ते हुण गंभीर इल्जाम ने फैक्टरी दे विच कब्जा करन दे भन्नतोड़ करन दे इल्जाम ने और समाणा दी इक मिल्क फूड कंपनी है दस्सदे कि जिस दे नाल इह सारा मामला जुड़िया होया। फैक्टरी दे विच 2 करोड़ दे दरख्त लगे जिस नूं वढ के वेचण दा इल्जाम लग्या है सुरजीत रखड़ा ते और हाई कोर्ट ने जांच दे लई वकील नूं लोकल कमिश्नर नियुक्त कीता। सिद्धे तौर ते हुण फैक्टरी दा दौरा कीता जाएगा और 3 नवंबर नूं हाई कोर्ट दे विच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो मामला कोर्ट दे विच है और हाई कोर्ट दे विच रिपोर्ट सौंपी जानी है तो कह सकते हैं कि सुरजीत रखड़ा दी मुश्किलों दे विच वाधा होया है। पटियाला दे नाल संबंध रखते ने और साबका मंत्री रहे ने पर हुण किते ना किते सवाल जिहड़े ने ओह वड्डे खड़े होए ने उन्हां ते कह लिए कि गंभीर इल्जाम लगे। उमेश शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन ते ने। उमेश की कुछ पूरी जानकारी है मामले विच? हाईकोर्ट में एक जी पटीशन दाखिल हुई है उसे पटीशन यही है कि उसे एक फैक्ट्री है समाणा विच हरमन मिल्क फूड के नाम से उस फैक्ट्री दे एक जी बिल्डिंग है उस बिल्डिंग का कुछ हिस्सा डिमोलाइज करता ये एलीगेशन लगे ने सुरजीत सिंह रखड़ा उन्होंने और जी पटीशन पाई उसके विच ये कहा गया कि सुरजीत सिंह रखड़ा इस फैक्ट्री पर कब्जा करना चाहते हैं और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके एक फैक्ट्री उन्होंने अपने बंदे रखे हुए ने तमाम एलीगेशन उस पटीशन लाए गए। तो हाई कोर्ट ने इस पटीशन की जो सुनवाई की सुनवाई करते हुए मामले की जांच लई एक वकील नूं लोकल कमिश्नर डिब्यूट किया गया जिहड़ा अज समाणा जाके जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट नूं सौंपेगा। और इस पटीशन विच पुलिस अधिकारियों नूं भी पार्टी बनाया गया सुरजीत सिंह रखड़ा नूं भी पार्टी बनाया गया और सारे जो फोटोग्राफ्स भी दी गई हैं कि 29 जुलाई में डिमोलाइज होया उस तो पहला उत्थे बिल्डिंग का ढांचा की थी और जिहड़ा ढाया गया उस तो बाद भी फोटो आई सारी फोटोग्राफ भी लाई गई हैं। हुण देखना होएगा हाई कोर्ट ने जिहड़ा लोकल कमिश्नर जिहड़े एडवोकेट राजीव गोदारा उन्होंने लोकल कमिश्नर लाया है वो जाके उत्थे मौके नूं देखणगे और अपनी रिपोर्ट 3 नवंबर नूं हाई कोर्ट विच सौंपणगे। उस तो बाद देखना होएगा कि हाई कोर्ट का रुख की रहिंदा है। जी जी ठीक है महेश धन्यवाद है तमाम जानकारी लिए शुक्रिया। तां सुरजीत रखड़ा जिन्हां दीआं मुश्किलां दे विच वाधा होया है और हुण स्वाभाविक तौर पर जवाब देखिए।